हेलो फ्रेंड, मैं प्रिंस, स्वागत है आपका मेरा इस टेक्निकल स्टूडेंट चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी एक यूट्यूबर हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है एकदम खास। अगर आप भी यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करते हो लेकिन उस पर कोई खास व्यूज नहीं आते हैं तो मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं फुल प्रैक्टिकली के साथ थंबनेल बनाने के लिए बताया हूँ और साथ साथ ये भी बताया हूँ कि थंबनेल किस तरह हमारे वीडियो पे पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। तो फिर देर किस बात का है, चलिए फटाफट थंबनेल बनाना सीखते हैं और क्या इसका फायदा, तो चलिए कुछ समझ लेते हैं। तो फ्रेंड, मान लीजिए कि एक बंदा है जो बहुत अच्छा खासा वीडियो बनाता है, यहाँ तक कि उसके पास ढेर सारे नॉलेज भी हैं, फिर भी उसकी वीडियो रैंक नहीं कर पाएगी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वह अपने वीडियो में कस्टम थंबनेल का यूज नहीं करता है। तो फ्रेंड, मान लीजिए कि आपने भी कोई अच्छा खासा वीडियो बनाया, आपने बस वीडियो में टैग टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालकर अपलोड कर दिया, कस्टम थंबनेल का यूज नहीं किया, फिर भी उस वीडियो में थंबनेल लग जाते हैं और वे थंबनेल होते हैं जो हमारे वीडियोज के कुछ फोटो होते हैं। जब हम यूट्यूब पे वीडियोज अपलोड करते हैं तो हमारे वीडियो में से 3 फोटो यानी कि 3 थंबनेल निकाले जाते हैं जो हमारे वीडियो के शुरू, बीच या फिर अंत के कुछ हिस्सों में से होते हैं और बीच वाले थंबनेल हमारे वीडियोज पे ऑटोमेटिक लग जाते हैं। फिर वीडियो को पब्लिश करने से पहले हम कस्टम थंबनेल का यूज कर सकते हैं या फिर जो हमारे वीडियो में से 3 थंबनेल निकाले गए थे, शुरू वाले या फिर अंत वाले को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और फिर आप वीडियो को पब्लिश कर लेने के बाद भी एडिट कर पाएंगे क्योंकि ये यूट्यूब में ही फीचर आपको मिल जाता है। और फिर यूट्यूब में कस्टम थंबनेल क्या होता है तो मैं सिंपली बता दूँ कि यूट्यूब में कस्टम थंबनेल का मतलब यही होता है कि आपके वीडियो के अंदर जो भी मतलब बताया गया, आप कोई बाहर से फोटो लगाते हो और उसी के फोटो के से ही आप फोटो के थ्रू ही आप बता देते हैं कि इस वीडियो में ये है, तो फिर इसी को हम सिंपली कहते हैं यूट्यूब में कस्टम थंबनेल। कस्टम थंबनेल में मतलब आप दिखाते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के, लेकिन आप देख रहे हैं कि मेरे वीडियो में कोई भी अल्बर्ट आइंस्टीन के जिक्र नहीं किया गया है, तो आपके चैनल पे ऐसे स्ट्राइक आ सकता है। जो भी थंबनेल बनाए आप वीडियो के अंदर में जो भी है वही आप थंबनेल पे भी दिखाने की कोशिश करें, नहीं तो आपके चैनल पे स्ट्राइक आ सकता है। तो फिर आई होप कि आप थंबनेल के बारे में जान गए होंगे। तो मैं अब ये भी बता देता हूँ कि थंबनेल हमारे वीडियो को रैंक करने में किस तरह से रोल निभाता है। तो फिर मान लीजिए कोई बंदा है जो हमारे कोई बंदा है जो वीडियो कोई सर्च वगैरह करता है, जिस कैटेगरी का वीडियो सर्च करता हो और उस कैटेगरी में हमारा वीडियो है, तो हमारा वीडियो यूट्यूब है जो सजेस्ट कर देगा। लेकिन हमारे वीडियो पे जो कस्टम थंबनेल अगर हमने यूज नहीं किया है तो हमारा जो थंबनेल वो ऑटोमेटिक जो बीच वाला लगता है, जैसे मैं अभी स्पीच दे रहा हूँ, यही वाला थंबनेल वहाँ पे आपके वीडियो पे लग जाएंगे। तो इससे वो बस ये जैसे इस फोटो को मतलब देख के नहीं बंदा समझ पाएगा कि इस वीडियो में क्या है और टाइटल वगैरह है जो कोई भी उतना ध्यान से कोई नहीं पढ़ता, आपके थंबनेल देखते ही बस समझ जाता है। आपके कंटेंट के अंदर कितना भी अच्छा रह जाए लेकिन आप थंबनेल नहीं डालते हैं तो कोई भी बंदा है जो आपको वीडियो पे क्लिक नहीं करता है, इस वजह से आपके वीडियो पे कोई व्यू नहीं आते हैं, ना ही वॉच टाइम आते हैं और ना ही आपके वीडियो रैंक कर पाते हैं। तो फिर इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप कोई भी थंबनेल बनाए तो अट्रैक्टिव बनाए। यूट्यूब जब भी कोई आपका वीडियो सजेस्ट करे तो देखने वाला बंदा आपको थंबनेल को देख कर समझ जाए और खुद अट्रैक्ट होकर आपके चैनल पर क्लिक आपके वीडियो पे क्लिक करें और आपके वीडियो इस तरह से अच्छा खासा रैंक कर पाएगा और बास टाइप भी मिलेगा। तो फिर आप सिंपली से हम थंबनेल बनाने के लिए सीखते हैं। आप मेरे वीडियो को भी देखे होंगे मैं किस तरह से थंबनेल बनाता हूँ, तो आप समझ रहे होंगे कि मैं किस तरह से थंबनेल बनाता हूँ। तो चलिए सिंपली अब हम थंबनेल बनाने के लिए सीखते हैं। तो फिर मैं आपको फुल प्रैक्टिकली के साथ थंबनेल बनाने के लिए बता रहा हूँ, जैसा कि मैं थंबनेल बनाने के लिए करता हूँ। आपने देखा भी होगा कि मैं थंबनेल में अपना खुद का फोटो भी लगाता हूँ और वो फोटो कोई ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए जैसे कि सेल्फी से और या फिर कोई भी और भी स्टाइलिश पोज वगैरह की फोटो। आपको बस सिंपल से फीलिंग शेयर करने वाला ही फोटो का यूज करना है। फीलिंग शेयर करने वाला फोटो को आप सिंपल इस तरह से समझ सकते हैं, आपने कोई थंबनेल का यूज किया, अगर कोई बंदा देखता है तो आपके थंबनेल देखने के बाद उस पर कौन सा फीलिंग आता है और उसी फीलिंग के अंदाज लेकर आप 2-3 फोटो को क्लिक कीजिए और उन्ही फोटो को अपने थंबनेल में यूज कीजिए। तो फिर मैं भी अभी 2-3 शॉट ले लेता हूँ। मैंने 2-3 फोटो को क्लिक कर लिया है, अब मैं इन्हीं फोटो को अपने थंबनेल बनाने में यूज करूंगा। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको अब मोबाइल स्क्रीन पे पूरा के पूरा बताऊंगा।
तो फ्रेंड सबसे पहले हमें प्ले स्टोर में जाकर बैकग्राउंड इरेजर और पिक्सेल लैब को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है। तो फ्रेंड मैंने इसे पहले से ही कर रखा है इंस्टॉल। तो फ्रेंड हम बैकग्राउंड इरेजर में अब चलते हैं और इसमें हम अपने फोटो के बैकग्राउंड को इरेज करेंगे जो हमने थंबनेल में जो फोटो को लगाना है। तो फ्रेंड हम इसी ऐप के थ्रू हम अपने बैकग्राउंड को अच्छी तरह से इरेज कर पाएंगे। तो फ्रेंड आप देखिए, मैं अभी इरेज करके दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड देख लीजिए, मैं अपने बैकग्राउंड को इरेज कर रहा हूँ। काफ़ी आसानी तरीके से मैं अपने बैकग्राउंड को इरेज कर पा रहा हूँ। यहाँ पे इरेज करने के लिए बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि ऑटो, मैजिक, मैनुअल और फिर रिपेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं मैं कितने अच्छे तरीके से अपने बैकग्राउंड को इरेज कर पा रहा हूँ। तो फ्रेंड आप देख लीजिए, मैंने बैकग्राउंड को अच्छी तरीके से यहाँ पर इरेज कर लिया है। अब आपको लास्ट में स्मूथ का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो फिर अब हम चलेंगे पिक्सेल लैब में। तो फ्रेंड पिक्सेल लैब में आ जाने के बाद सबसे पहले हमको ऑप्शन मिल जाता है, इमेज साइज को हम चूज कर लेंगे। तो हम थंबनेल बना रहे हैं यूट्यूब के लिए, तो आप देख सकते हैं यूट्यूब थंबनेल भी है, तो हम यूट्यूब थंबनेल पे ही क्लिक करेंगे। और फ्रेंड आपको बहुत सारे डिफॉल्ट थीम वगैरह, फॉन्ट वगैरह भी इस ऐप में आसानी से मिल जाएंगे। फ्रेंड आप देखिए मैं किस तरह से इस ऐप के थ्रू एक प्रोफेशनल थंबनेल बना कर दिखाऊँगा आपको। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमारा थंबनेल है जो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसे सेव कर लिए हैं नॉर्मल में। तब अल्ट्रा एचडी भी सेव करना चाहते हो तो हम इस ऐप के थ्रू आसानी से अल्ट्रा एचडी भी इमेज को निकाल पाएंगे अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड अब हम सिंपली फाइल एक्सप्लोरर में जाकर देखते हैं जो कि हमारा इमेज एक्सपोर्ट हुआ है वो अल्ट्रा एचडी है या फिर नहीं। तो फ्रेंड देखिए, मैं फाइल एक्सप्लोरर में खोल लिया हूँ और आप देख सकते हैं कि कितना अल्ट्रा एचडी है जो हमारा। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू लेटेस्ट वीडियो अपडेट। और तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड।